अलहमदिल्लाबीन वसलात वसलम उल सदल अम्बियाई अल्लास सैदना व मौलाना महमद आलि वही वबारक वसलम वसल दुनिया के तमाम देखने वालों को तमाम चाहने वालों को तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे दिखा जा रहा है जुनीद इकबाल की जानब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अम्मी एक बार फिर नाजरीन आपको पर नूर सुबह सुबह नूर के साथ मैं दिल की अता गहराइयों से खुश कहता हूं। और आइए बिला तो चलें हजरत अब अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमा की ताली असमान नबी करीम सल्हली वसलम से नुण नुण से रसूल सल्हली वसलम का एक किस मुबारक पढ़ने और सुनने की शादत हासिल करते हैं सैदना अलमुबर वसलम हमारे सरदार खुशखबरी सुनाने वाले दरूद वसलाम विजय वसलम पर आप सल्हली वसम के अलपाक पर और साहबा कराम

इश्क से भरपूर प्रोग्राम है हमारे साथ आप रहिए क्योंकि आज शायर मशरक़ हकीमत मोहम्मद इकबाल रहमा और मोहब्बत अहल बैत आार गुफ्तु होगी यानी उनका जो वजूद था वो हब्ब अहल बैत में किस तरह से सरशार था बात यह है कि जब अमामा मोहम्मद इकबाल की नाज्रीन बात होती है तो मुझे कहने दीजिए कि वो मुजस्म तस्वीर थे रसूल करीम सल सम के इश्क की और अल बैत अतार की मोहब्बत मददत की यानी अगर मैं सिर्फ ये दो मिसरे उठा लूँ ना तो उनके तो इंट्रोडक्शन के लिए पूरा काफ़ी है कि वो आफा मंशूर जो वफा का आफाकी मंशूर है नाजरीन वो आपने इन दो मिसरों के अंदर पुरो कर रख दिया है कि की महम्मत से वफ़ा तो ने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ है क्या लाहो कलम तेरे हैं और वो समझते हैं इकबाल ये समझते हैं कि जो जमाना है ना जो दहर है इसका अंधेरा अगर किसी शय से तब्दील हो सकता है किसी उजाले से रोशन हो सकता है तो वो उजाला सिर्फ़ और सिर्फ़ इसम महम्मद सल्ह वसलम है इसीलिए पुकार उठते हैं कित इश्क से हर पस्त को बाला कर दे दहर में इसम महम्मद से उजाला कर दे और इकबाल अमांजनी अपनी तमाम तर कामयाबियों अपनी तमाम तर चमक दमक को अगर वो यूं कहिए कि रिगार्ड देते हैं किसी हवाले से तो वह हब्ब अहल बैत से मरबूत कर दिया करते हैं कि वह फरमाते हैं कि अजविलाए दू दान ज़िंदा अम दर जहाँ मिसल गहर ताबिंद अम कि मैं उनके ख़ानदान से मोहब्बत करता हूँ उनके खानदान की मोहब्बत की वजह से ज़िंदा हूँ और दुनिया में मोतियों की मानंद चमक रहा हूँ इकबाल रहमान अजीन अपनी शायरी में जहाँ तोहहीद की बात करते हैं रसूल करीम सलील वसलम के इश्क की बात करते हैं

लाला दर वीराना हा कारीद और रफ्त के करबला की ज़मीन पर बरसा उस वीराने में लाले के फूल उगाए और आगे बढ़ गया ये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अली सलाम की बात हो रही है नाजरीन और फिर देखिए जब मौलाई कायनात की बारगाह में मोहम्मद इकबाल आते हैं तो अपने अकीदतों के फूल इस अंदाज से निछावर करते हैं कि मुस्लिम अव्वल शह मर्दा अली सरमाया ईमा अली के पहले मुसलमान और मर्दों के सरदार अली हैं इश्क़ के लिए ईमान का अली हैं और जब नाज़ीन जब वो मौल कायनात की इश्क़ से सरशार होते हैं तो फिर इस अंदाज से दुआ करते हैं कि तड़पने फड़कने की तोफ़ी दे दिल मुर्तज़ा दिल मुर्तज़ा सोज सिद्दीक़ दे और आलम यह है कि इकबाल जो है नाजरीन सैयद कायनाथ बीबी फातमा की अकीदत में इस हद तक मैं यूं कहिए कि उस समुंदर के अंदर इस हद तक गौताजन थे या फरमाते हैं कि मरियम जीज नस्बतरा अजीज के हजरत बीबीम की एक नस्बत थी हजरत ईसा के साथ लेकिन सईद फातमत ने तीन तीन नस्बतें अता वह इमाम की शहजादी हैं वो इमाम अतकिया की जौजा हैं और वह हसनैन करीमैन अल्लाम की वालदा माजिदा हैं यानी वह मकाम और मरतबा कि आप एक जगह फरमाते हैं कि मुझे अगर शरीय का खौफ न होता तो मैं फातमतरा सलाम्ला आपकी तुर्बत मुकदसा के इर्द गिर्द तवाफ करता और आपके मजार से लगी मट्टी को सजदे करता लेकिन जज्बा इस कदर होने के बावजूद शरीय की पासदारी आपको मकसूर यानी मकाम अदब था और फिर नाजरीन एक जगह इमाम पाक के लिए आप फरमाते और क्या खूब फरमाते हैं किसने पाकाम वो हैं कि जिन्होंने पूरी उम्मत को मुश्तम करके रखा किसी भी तौर से उनको टूटने नहीं दिया अलामा मोहम्मद इकबाल अलरम सबसे पहले मेरा ख़्याल है आप जो पाएदार कायनत से आपकी नस्बत आपकी मोहब्बत आपका इश्क आपकी मबदत आपकी अकीदत में क्या क्या नाम दूँ सब क्या क्या नाम दूँ बस आइए आगाज़ कीजिए कि सरकार की बारगाह में आप कैसे दबे लचे नज़र आते हैं बताइए बिस्मिल्लर मसलआलाहम्म वारक वसलम बहुत शुक्रिया मोहरम जुनेद इकबाल साहब आज हमारी खुशनसीबी है कि हम मफक् पाकिस्तान बड़े सगैर जनूबी एशिया के मुसलमानों के अजीम मोहसिन महसिना इकबाल की सूरत में अपने दिलों को अब मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम और आपसे जुड़े अहले बैत हूँ सहाब कराम हूँ जो जो चीज़ नस्बत रखती है उनको जानने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं सुबह बात यह है कि कुरान ने हमें बताया कि मई जो तेर रसूल फ़क़ा अल्लाह जो रसूल का वो अल्लाह का सुबह कुरान ने हमें कहा कि माँ आता कुमर रसूल फ़खू ए लोगो इस दरवाज़े के मोहताज बन जाओ जो लेना है इस दरवाज़े से लो अल्लाह क़रन ने हमें बताया कि जब तक कायनात की हर शय से बढ़कर कर हुब मुतफ़ा सल अल्ला तुम्हें अजीज़ तर ना हो उस वक्त तक तुम मोमिन बन ही नहीं सकते अकबर ये वो चीज़ थी जो अमामा इकबाल को अपने घर से मिली आपके वालद माजिद शेख नूर मोहम्मद रहमतल्लै कोई मामूली मुसलमान न थे मौलाना मीर हसन साहब का अपना कमाल है लेकिन मैं जब देखता हूँ कि घर में वालदे जिस अंदाज से औलाद की तरबियत करते हैं उसके नतायज कायनात के सामने किस कदर खूबसूरत अंदाज में आया करते हैं वो जब एक छोटा सा वाक़ हुआ कि दरवाज़े पर साइल के तेज़ बोलने ख ने चिल्लाने की बिना पर आप बच्चे थे आपको नागवार गुजरा और आपने जाकर उसको हटाया उनका हटाना था कि आपके वालद माजिद रोने बैठ गए तड़पे फरमाया इकबाल तूने क्या कर डाला कल मैं अल्लाह के महबूब आसम को क्या मुँह दिखाऊँगा और वो मुखातब करके कहते हैं कि अकबाल तू तो चमन महम्मदी की एक कली है फरमाते हैं कि इस इसी चमन की नसीम से फूल खिल। पकड़ ताकि रसूल खुदा सल्ला के अखलाक की खुशबू तुझसे आ सके और, ऐसा हुआ। और इकबाल ने अपने आप को इस मेयार पर किस अंदाज से उतारा किस अंदाज से अपने आप को पेश किया रहती दुनिया तक जो भी इकबाल का मुताला करेगा वो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ते को मजबूत किए बगैर मैं कुछ भी नहीं बिल्कुल इकबाल कहीं अगर एक करोड़ मरतबा दरूद पाक पड़ते हुए नजर आते हैं वहाँ आपकी ये कैफियत होती थी कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक आता तो उनके जानने वाले लिखते भी हैं बयान भी करते चले आए हैं कि उनकी आँखों से आंसू की लड़ी लग जाती थी लरज उठते थे और मोहब्बत की कैफियत ये थी कि एक मरतबा जब सियालकोट में अंजमन इस्लामिया की सदारत कर रहे थे तो वहाँ एक खुश अलहान नाथ खान हैं आला हज़रत रहमा की लिखी नात का ये शेर पढ़ दिया कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद इकबाल ने यह शेर सुना और उन पर लोगों के सामने जो कैफियत तारी हुई और फिर जब आप सदारती खुतबा देने के लिए आए तो उस शेर का असर इतना था कि बेसाख्ता पुकार उठे कि तमाशा तो देखो कि दोजख की आग लगाए खुदा और बुझाए महम्मद अल्लाह तजब तो ये है कि जन्नत आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने दुनिया पर वाजे किया कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु सल्ह वसल्लम से ताल्लुक़ ही ईमान की रूह दीन की जान है मगज़ कुरान आ ईमान है ईमां जान दी हस्त लिल आलमीन रहमतुल्लमीन इकबाल ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस दुनिया के सामने जाहिर किया कि जिस ज़ात का मैं मद्दा हूँ और जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी वक्फ कर रखी है ये वो है कि इनसे नस्बत अगर उस उसने हनाना को हो जाए तो वो क्या तक दुनिया के सामने एक निशान बन जाए तो जो अहल बैत इतहार हैं जो नबी अक्रम रहमत आलम सल्लाम से खूनी ताल्लुक रखते हैं उनकी अजमत तो बयान करते हुए इकबाल ने पूरे खूबसूरत अंदाज में दुनिया को मुतवजा बिल्कुल ऐसा और डॉक्टर साहब आइए जरा खूबसूरत तवीद बन दी प्रोफेसर साहब ने अब हमें ले चलें इकबाल की ज़ुबानी रहमा मौलाई कायनत मौलाली क़रीम की शान उनकी अकीदत उनकी मोहब्बत उनकी मबत अकबाल रहा हज़रतली रज़ी का तस्करा मुख्तफ जी हतों से फ़रमाया है तो मुसलमानों के यहाँ ये जो एक बात मशहूर और मतदावल और अक़दे की बात है कि महब्बत अहल बैत और खसूसी तौर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तहों की महब्बत मारुफत इही का ज़रिया बनती है अल्लाह अगर कोई बंदा सही माने में हज़रत अली रजी अल्लाह तहों से महब्बत करता है तो उसको कितने खूबसूरत अंदाज से फिट किया है दिलों को मरक़ महरू वफा कर हरी किबरिया से आशना कर अल्लाह जिसे नाने जमी बख्शी है तूने अल्लाह उसे बाजुए हैदर भी अता कर अल्लाह अल्ला यानी हरीम किबरिया की आशनई मरकज़ महर वफ़ा की जगह पर जिस अंदाज़ से आपने हज़रत अली रजी अल्लाह बाजू को लेकर आए ये उस नुकते को समझाना मकसूद था कि जो अब भी हरीम किबिया से आशना होना चाहता है और मरकज़ महरू वफा बनना चाहता है वह हज़रतली रजी अल्लाह तु से कल भी ताल्लुक़ पैदा करे अल्लाह फिर आपने देखा कि हमारे बाजों का दबिस्तानों में मिसालें नहीं मिलती ईमान की मराज इश्क की मराज महब्बत का आखिरी किनारा इन बातों को जब अलामा इकबाल समझा रहे थे तो उसमें हज़रतली रजी अल्लाह तौ की शख्सियत से मिसालें ढूंढ़ ढूंढ़ कर ला रहे थे तो जुमला बोलते हैं कभी को हो दमन इश्क कभी सोजो सरूर अंजमन जमन इश्क कभी सरमाया मेहराब मंबर कभी मौला अली खैबर शिकन इश्क अल्लाह मतलब ये जो इश्क जिसको आप कहते हैं अगर आपको वैसे समझ नहीं आता तो हजरत अली ताला हज़रतली का खैबर के मौके पर जो किरदार नज़र आता है तो उसकी बुनियादी वजह यह थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तहो अल्लाह और उसके रसूल के महबूब बनकर खड़े हैं और ये भी अल्लाह और उसके रसूल की महब्बत के रूज की जगह पर है अल्लाह यानि दोनों जानब से महब्बत आखिरी दर्जे में है और यश की शक्ल बन गई है तो इश्क के इशियारे को कमाल देते हुए आप ये अशार पढ़ते हैं फिर इससे ज़्यादा और खूबसूरत देखें जमाल इश्क मस्ती नए नवाजिश जलाल इश्क मस्ती बे नियाजिश अल्लाह कमाल इश्क मस्ती ज़रब हैदर अल्लाह। कमाल इश्क व मस्ती ज़रब हैदर जीवाल इश्क मस्ती हर राजी अल्लाह तो आपने देखा कि हजरत आ, अली रजी अल्लाह तु की शख्सियत को किस एतबार से ईमान की मेराज इश्क मोहब्बत का बड़ा आखिरी इश्हारा आप करार दे रहे हैं फिर आपकी फ़रत सलीमा हजरत अली रजी अल्लाह तुकी की फ़ितरत सलीमा क्या थी जो नए सब यहाँ एक बात अकीदे की बता दो लोग इस बारे में बड़ा सोचते हैं कि नबी की पहचान का सबसे बड़ा जरिया क्या है कोई शक नहीं नबी की पहचान का एक बहुत बड़ा जरिया नबी की सीरत किरदार होता है बेशक और उसका बहुत बड़ा जरिया मोजात का जहूर होता है बिल्कुल ठीक है लेकिन इसका असल जरिया बंदे के बातिन की अपनी तहारत होती है जिसकी वजह से तहारत वाली चीजें पहचानने में नक्श नहीं आती क्या अच्छा है बात आगे बढ़ाते हैं उस्ताद मोहतरम मतलब बात ये हम तो तोहरे आपके आगे तालिबे में इस मामले में आज आपने बतलाना है कि इकबाल क्या फरमाते हैं और इकबाल का इश्क क्या है सैदा फातमा तजहरा सलामिहा से ये जो आपकी अकीदत और मोहब्बत है वो वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन है मैं चाहता हूँ ज़रा उस पर गुफगु फरमाइए और बतलाइए कि सैदा पाक की बारगाहमें आप कैसे हाथ बांधे खड़े हैं बसम जुनेद साहब बहुत शुक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज और इकबाल की शख्सियत की उस डायमेंशन को हम बात मौज़ू बना रहे हैं जिसने इकबाल की शख्सियत के अंदर हकीकी मानों में रूह पैदा की वो ताकत पैदा कर दी कि वो आफाक के अंदर मकबूल हो गई और आफाक के अंदर अब दी उनको अल्ला रब मकाम अता कर दिया जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने भी इस नुकते पे बात की कि जो मोहब्बत रसूल है ये इकबाल को गुटी में मिली है ल्मा इकबाल के ख़ानदान के अंदर ये बात मशहूर थी कि मियाँ जी अलामा इकबाल के वाले ग्रामी को मियाँ जी कहते थे शहनूर मोहम्मद, उन्होंने ल्ला साहब को इसम आज़म दिया हुआ है अच्छा। इसी वजह से साहब की मकबूलियत भी है और सारी हल्के खुदा उनके पीछे है अच्छा, अच्छा अब अमामा की फैमिली के बहुत से लोग जो हैं वो मियाँ जी के पास गए कि आपने क्या इसम आज़म दिया उन्होंने फरमाया हाँ मैंने उसको इसम आज़म दिया है तो उन्होंने कहा वो इसम आज़म क्या है तो उन्होंने फरमाया इसम आज़म है दरूद शरीफ इससे बड़ा कोई इसमें आजम नहीं है भाई सुभान मैंने इकबाल को यही दरस दिया अल्लाह और दूसरी बात खान नबूवत से बैत से जो मोहब्बत लामा इकबाल ने ली है अपने वाल ग्रामी से अलामा ने इस मोहब्बत को आगे भी मुंतकिल किया है अलामा ने अपनी औलाद को भी यही वसीयत की जो डॉक्टर जावेद इकबाल साहब को वसीयत की है अलामा ने उसमें एक नुकता यह था कि आल की मोहब्बत को कभी ना छोड़ना अल्लाह यही वजह है डॉ जावेद इकबाल साहब अल्लाह गरी के रहमत करे उनका जिंदगी भर का ये मामूल था बहुत कम लोगों को इसका पता होगा अच्छा। पूरी जिंदगी का ये मामूल था कि हर दस मुहर्रम को सारे घर वालों को बिठाते और इस हाथ से करबला खुद पढ़ते पर्शियन में नजम जिसके अश्यार अभी आपने भी पढ़े जी, जी जी और अब भी उनकी फैमिली में ये चीज़ मौजूद है बाद के लोग आप बैठ के पढ़ते हैं कि वो दस मुहर्रम को सरे हादसे करबला पूरे घर वालों को बिठा के पढ़ते थे खुद सरापा गिरिया होते तो ये जो मोहब्बत है अलामा इकबाल की आलिबैद के साथ उन्होंने ली और आगे मुंतकिल की और अपने कलाम के जरिए हम तक भी पहुंचाई अल्लाह बात और ये सहीद कायनत की अमामा ने जो जुनासा फलसफे खुद ही दिया क्यों दिया कि इस मिलत का हर शख्स मर्द कामल बन हाँ। जाए और हकीकी मर्द कामल कौन है हजूर अक्रम सब इसके साथ एक और तस्वर भी है कोई मर्द मर्द कामल नहीं बन सकता जब तक वो मादर कामल के करीब ना हो आई क्या अच्छा है मर्द कामल कौन है ज्यादा सालत माप और मादर कामल कायनात है भाई सुभान। सुभान। अल्लामा को जब आप पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं का मादर कामल का इमेज किस में देखा सहीद कायनात में देखा सुबह जो अलामा की पहली किताब है असरार खुदी और खुदी जिसमें उन्होंने मिलत इस्लामिया के लिए एक पूरा प्रोटोकॉल दिया एक जबता दिया उसमें मिलत इस्लाम की खुतिन के लिए तीन नजमें लामा ने लिखी हैं अच्छा वो क्या जिसमें उन्होंने बताया है कि इस मिलत की खातून को होना कैसे चाहिए वक्त कम है मैं एक, एक दो अशार पढ़ता हूँ जनाब। जैसे वो कहते हैं कि अज अमूमत पुख्ता तर तामीर दरखते सीमाए तकदीर हा माओ से ता मिल्लत बनती है माओ की पेशानी में मिलत का मुकदर होता मिल्ल का मुस्तबिल क्या है

तुम्हारे चेहरे की रोशनी हमारा फानूस है आहा। किसे हम जाया 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 उस जमाने में है जब लोग अपना तन फरोश कर रहे होंगे तुम तो ना ऐसा करना अल्लाह अकबर यह रविश दीन के लिए राखजनी है अल्लाह ये रविश दीन को लुटा देगी और ये कब होगा तुम ये ये कैरेक्टर कब हासिल करोगी फित्र तू जज्बा दारत बुलंद चश्मे होश आज उस मबंद, अपनी आंखें से न ना फेरना ना फेरना अल्लाह अपनी निगाहों को सईदा कायनात की सीरत पे गारे रखना अल्लाह ताकि तुम्हें पता चले तुमने चलना किधर है उसका नतीजा क्या निकलेगा तावर मोस में पेशे आवर्द तेरी शाह पे जो फल लगे वो हुसैन हो अल्लाह और जो तेरे जरिए से हमारा मुस्तकबिल का मौसम बहार का मौसम हो अल्लाह मर्द कामल मिल्लत की माए जन्म देंगी अगर उनकी निगाहें मादर कामल पे होंगे अल्लाह अगर वो मादर कामल के नक्शे कदम पे चल रही है अभी आपने दो तीन पड़े में उस पर दो बात करना चाहूंगा सईदा मरियम और सईदा कायना क्यों अल्लामा ने यह कहा कि आज मरियम अजय नस्बत ईसाजी कहा मरियम एक नस्बत से हमें अजीज है नूर चश्म आमीन आ इमाम अवलीन आखरी हाँ। पहली बात जो सईद कायनात को हासिल है वो ये है कि आप आके दो जहाँ के नूर चश्म दो माना है क्या आपके वारद सहीद कायनात है लेकिन इसका एक और जहत है जो हमें सईदा मरियम के आने ही मिलती वो क्या है बेटी कैसी हो अल्लाह बेटी कैसी हो अल्लाह। ये सईदा मरियम से कहा ढूंढेंगे अल्लाह गो वो पैगंबर की माँ है लेकिन बेटी कैसे होके रहना है ये सिर्फ सईद से पता चलेगा। उसके बाद बान हुए आता हल आर्त मुश्किल कुशा शेर खुदा अल्लाह अली भी हैं जोजा कैसी हो जोजा कैसी? इसका जवाब का कायनाथ से मिलेगा सईदा मरियम से नहीं मिलता क्या है क्या और आखिरी बात जो फरमाते हैं माधरे यहाँ मरकज माधरे कौन है हुसैन है हाँ। आके शमे शबस्तान हरम हाफे जमी खैर ये हसन है औलाद कैसी हो औद कैसी हो यह भी सबक कहा से मिलता है सईद कायनाथ से मिलता अल्लाह जो शान है सीधे कायनात की मैं ये समझता हूँ आज हमें मादरे कामल को मौजूब बास बनाना चाहिए बहुत बहुत सही ताकि हमारी मिल्लत की बेटियाँ ये जान सकें बिल्कुल सही उन्हें एहसास हो सके हमारा आज हमारी मिल्लत की बेटियों की मुट्ठी में है हमारा मुस्तबिल मिल्लत की बेटियों की पेशानियों में है इसे जाया ना होने दें फाइनली तनौली साहब सब सुनना चाहेंगे एक तो ये कि मतलक़न मोहम्मद इकबाल का जो तस्वुरा इश्क है पर उस पर पहले बात कीजिए और फिर सर हादसा करबला की जो रोशनी में जो पूरा करबला को जिस तरह से इकबाल ने देखा है और बयान किया है उस पर ज़रा गुफ्तू कीजिए आखिर जी बिल्कुल जुनेद साहब जिस तरफ आपने इशारा फरमाया जो इश्क है और करबला है जुड़े हुए हैं यानी इश्क की अमली तबीर करबला के बगैर समझ नहीं आती बिल्कुल ठीक और करबला इश्क के बगैर मुमकन नहीं हो सकता बिल्कुल ठीक है दुरुस्त जब अमामा इकबाल की थाट के अंदर उनकी फ़िक्र के अंदर हम इश्क को समझने की कोशिश करते हैं तो अल्लामा इश्क को एक ऐसा जज्बा करार देते हैं जो इंसान की पूरी ज़िंदगी की डायमेंशन को मुतन करता है अल्लाह और ये इतनी बड़ी ताकत है अमामा कहते हैं कि इश्क मूरो मुर आदम रा बसस्त इश्क तनहवा आलम रा बसस्त इश्क इतनी बड़ी ताकत है चिंटी हो कोई परिंदा हो चाहे अशरफ अल मखलूक इंसान हो इन सब के लिए इश्क काफ़ी है अल्लाह इश्क तनहा हर दो आलमरबा सस्त इश्क दुनिया और आखरत के लिए काफ़ी है अल्लाह यानी अगर किसी को इश्क की ताकत और इश्क की रमक और इश्क की खुशबू और इश्क का शूर नसीब हो जाए तो उसकी जिंदगी उस पैटर्न पे डल जाती है कि वह दुनिया और आखरत का मकसूद बन जाता है दुनिया और आखरत का महबूब बन जाता है वजह क्या है वजह यह है कि इश्क अपनी जिंदगी की तरजीहत को अपने महबूब की मंशा के मुताबिक तय करने के बाद अपनी सारी तोजहत को उसके लिए मरकूज़ कर देने का नाम जब तक आप ये नहीं करते फिर इश्क का जज्बा आप तक पहुँचा नहीं बिल्कुल और आपको इश्क के जज्बे का शूर नहीं मिला सही अच्छा जब यहाँ तक इंसान पहुँचता है जुनेब साहिब फिर कायनती ताकतें आपकी फेवर में आ जाती हैं क्या बात है जो नेचर की पावर्स हैं वो तो अल्लाह रबत के दस्त कुदरत में है ना अल्लाह रब्जत उन ताकतों को आपकी ताइ के लिए मसरूफ़ कर यानी आपकी फ्रिक्वेंसी जो पावर्स ऑफ नेचर उनके साथ हो जाती है क्या अच्छा इश्क के जज्बे के तहत क्या अच्छा है जब तक आप अकल पे चल रहे होते हैं आप जमा तफरीक कर रहे होते हैं अच्छा अब जब आप जमा तफरी कर रहे होते हैं आप बहुत निचले दर्जे पे होते हैं बिल्कुल ठीक देखे ना मैं अपनी अकल के मुताबिक करूंगा ना आप अपनी अकल के मुताबिक बिल्कुल ठीक है फितरत तो इससे बाल आता रहे और खाल के फितरत उससे भी बाल आता है यानी फितरत जो है मैथमेटिक्स नहीं मानती फितरत की एक अपनी मैथमेटिक्स है उसकी अपनी एक मैथमेटिक्स जो सिर्फ इश्क वाली है वो सिर्फ इश्क समझ सकता है है वो सिर्फ इश्क वाली है <laughs> अकल की मैथमेटिक्स बच्चे की है और कहा पी एच डी मैथमेटिशियन और उस उस मैथमेटिक्स में सिर्फ जमा है तफरीक नहीं है अब देखें अब ये जो आपने कहा ना उस मैथमेटिक्स में सिर्फ जमा है तफरीक नहीं है अलामा है। कहते हैं आ कुनत तामीर तामीर आ कुनत वीरान के आबादाकुन अकल तामीर जो करती है उसने वीरान हो जाना है हाँ। ये हैफरीक नहीं चलनी बिल्कुल हाँ, सही इश्क अगर वीरान भी करे तो आबाद हो जाए क्या अच्छा है क्या अच्छा है इसकी वीरानी इसलिए इश्क अगर वीरान भी करे तो आबाद होगा। आबाद होगा होगा इश्क वीरान उसको करेगा जो यजीदियत होगी उससे जो आबादी निकलेगी वो हुसैनीत होगी भाई क्या अच्छा है क्या अच्छा ये फर्क है अकलो इश्क का वाह कि इश्क का मैार जो है वो कायनाती है हुसैन के सामने तख्ते किदार नहीं है हुसैन के सामने मुकदर इंसानियत है क्या अच्छा है मंशूर हयात है मंशूर इंसानियत है वो इंसानियत के लिए के मैं आर सेट कर रहे हैं ये इश्क है वाह अकल तो कुछ और कहती थी अकल क्या कहती है अकल का मामला कुछ और है जनाब अकल ये कहती है अकल गोयद शाद शो आबाद शो इश्क गोयद बंदा शो आजाद शो अल्लाह अकल कहती है आराम तख्त इकतदार वजारतें याश बंदा हाँ। शो अल्लाह का बंदा बन हाँ। आज़ाद शो यजीदों के सामने आज़ाद हो जा बिल्कुल ठीक ये इश्क है बिल्कुल हुसैन ने यह मैार सेट करके दिया हुसैन ने यह मैार कायम किया तो अब अमत जो है सबसे पहले इश्क़ की बात करते हैं और उसके बाद इसी के अंदर अकल और इश्क का जो है वो मुजन करके बताते हैं हर के पैमा बा होल मौजूद बस्त गर्दनश असबंद हर मौजूद रस्त जिसने अल्लाह के साथ अपनी ग़ुलामी का ताल्लुक़ कायम कर लिया फिर वो हर गुलामी से आजाद हो गया आए, 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 आए। उस फिर वो किसी का गुलाम ये कहने से पहले, बंदगी खुदा के ताल्लुक मुस्तक मनाजी यानी वो बंदगी खुदा का यूं कहिए अपना तौक अपने गले में सजा कर ताबूत का सबसे पहले इनकार फिर बंदगी तो दो जगह तो हो नहीं सकती एक ही जगह होगी जो हक का बंदा होगा वो फिर बातल का बंदा नहीं बनेगा और उसके बाद इश्क का फरमान जारी होगा लामा कहते हैं मोमन आज़ ईश्क अस व ईश्क अज मोमिन अस्त ईश्क रा नामुमकन ए मा मुमकिन अस्श्क मोमिन है और ममिन यश्क है ऐश्क कैसी ताकत है ये नामुमकिन को मुमकिन बनाती है क्या अच्छा ये मसलहतों को उड़ा के रख देती है क्या अच्छा ये वक्ती खदशात को तवहमात को दरपेश खतरात को जिनको देख के लोग लरजते हैं श्क को देख के ये खतरा लरसते हैं

जो है बर्दाश्त नहीं, नहीं करता देखिए बंदा के लिए दो ही रास्ते हैं या आजादी या आजादी के लिए आज़ादी के लिए जिदोजह की भरी पड़ी हर मसले का जिंदगी का हल मौजूद है मुझे बताएं किसी फिका की किताब में कोई ऐसा चैप्टर भी है जिसमें यह बयान किया गया अगर मुसलमान गुलाम हो जाए तो क्या करे आपको कोई चैप्टर नहीं मिले डॉक्टर कहीं किसी फकीह ने ये कान किया बाब किसी इमाम ने ये बताया ना, ना। मतलब है गुलामी और मुसलमान गुलामी और इश्क भाई ये दोनों चीजें कठी नहीं हो सकती हो ही नहीं सकती या मुसलमान आजाद होगा या आजादी की तलाश में होगा बिल्कुल सही वो गुलामी पे कभी भी उसको इतमीनान नहीं होगा उस पर इतफा नहीं करेगा उस पर रुकेगा नहीं तो ये जो ह्रीत का दर्श है अलामा कहते हैं इसकी अमली मिसाल कर बलान इमाम पाक ने कायम करके दिखा दी उन्होंने इसबाब को तादाद को और जो मौजूद हालात थे उनको नहीं देखा उन सबको उड़ा के रख दिया और हमारे सामने एक मैार कायम किया कि बंद इमन वह है इस्लाम की बकायश के अंदर है कि आप जज्बरीत के शोले को कभी सर्द ना होने दें चाहे आपके सामने तागूत और यजीदियत कितनी ही बड़ी ताकत के साथ क्यू ना खड़ी हो उससे क्या होगा उससे यह होगा कि आप उस मकाम पे जा पहुंचेंगे जैसे अभी डॉक्टर साहब ने शेर पढ़ा कि इमाम पाक की मिसाल ऐसी है जैसे कुरान मजीद में कुल कुल्हल्ला इसका मतलब क्या है बे इमाम पाक मिलत इस्लामिया में तोहद की हिफाजत का और तोहीद की हिफाजत के जान लड़ा देने का इस्ते हैं वाह ये है कुल होल्ला ये दरसे हदीत है जो इकबाल का जो तसवर इश्क है हम तक पहुँचाता है बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत बहुत शुक्रिया आप तीनों आबाद का क्या खूबसूरत गुफ्तु आज अहतम की मोहब्बत के हवाले से रही आइए साहब किताब शफा ज़ैनी सुकून का वजीफ़ा का वजीफ़ा आपको बताते हैं कि जो शख़्स नमाज इशा के बाद सूर्य यूसफ़ की आयत नंबर अड़सठ रोज़ाना तीन सौ मरतबा पढ़ने का मामूल बनाता है अल्लाह तबारक तौर उसके हर किस्म के रनज़म को दूर करके जैनी सकून अतामाता है अकबाल फरमाते हैं कि हमने कुरान पाक के रमूस हजरत हुसैन अमाम से सीखे उनकी रोशन की हुई शमा से हम दुनिया और आखरत की जिंदगी को रोशन और मनवर कर सकते हैं